बहुत बार जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमको सर्जरी रिकमेंड करते हैं, और जब बात सर्जरी की होती है तो हमारी ऑब्वियसली बात है कि चिंताएं बढ़ जाती हैं कि सर्जरी कैसे जाएगा, सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत लोग ज्योतिषियों को भी कंसल्ट करते हैं कि सर्जरी हमें किस टाइम पे करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है। आज हम ये समझेंगे कि सर्जरी के लिए बेस्ट टाइम कैसे निकाला जाए। साथ में मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि ये कैसे देखा जाए कि सर्जरी जो हम करा रहे हैं ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, या सक्सेसफुल तो होगा बट इसके बाद की कॉम्प्लिकेशंस हमारे साथ बनी रहेंगी, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। साथ में आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे देखा जाए कि जिनसे हम सर्जरी करवा रहे हैं या जो डॉक्टर जो आपकी सर्जरी कर रहा है क्या वो सर्जरी कर पाएंगे कि नहीं, या हमें डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं सभी के लिए, इसको आज हम कवर करेंगे। आप लोग अपने नोटपैड के साथ रेडी रहिए, ये सारे पॉइंट्स को आप लिखिए ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिकल चार्ट्स में आप लगा पाए। संभावना है पुरानी एस्ट्रोलॉजी जिसको बोला जाता है, जय गुरुदेव। सो आज का हमारा टॉपिक कि सर्जरी कराने का बेस्ट टाइम क्या हो सकता है, ये हम ज्योतिष के थ्रू कैसे जाने। तो इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ पैरामीटर्स हमको समझने पड़ेंगे कि ये जो टॉपिक है हमारा सर्जरी का, ये अगर आपको समझना है तो हमें इसमें दो चीज़ों का हमको यूज़ करना पड़ेगा। पहला प्रश्ना का, ठीक है, हमें प्रश्न कुंडली प्रश्न शास्त्र का हमको यूज़ करना है, साथ में मुहूर्त का भी। तो ये दो डिफरेंट सिस्टम है, प्रश्न एंड मुहूर्त, ये दोनों को कंबाइन करके इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कि अगर हमें ये जानना है कि सर्जरी कब कराना है, उससे पहले आपको प्रश्न कुंडली आपको चेक करना पड़ेगा। जब भी आपसे कोई पूछने आए वो उसके लिए सर्जरी के लिए, तो पहले आपको प्रश्न कुंडली बनाना है। अब प्रश्न कुंडली जब आपने बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं रोग प्रश्न, ठीक है, जो प्रश्न मार्क का सिस्टम है साउथ इंडियन सिस्टम प्रश्न का, तो वहाँ इस सब्जेक्ट को बोला जाता है रोग प्रश्न, और ये सारी चीज़ें उस रोग प्रश्न के अंदर डील होती हैं। तो जब आपने प्रश्न बनाया, कोई क्वेश्चन जिस क्वेश्चन पूछा गया उस जब आपने कुंडली बनाई, उसको हमने बोला प्रश्न कुंडली। तो उस प्रश्न कुंडली में जो फोर्थ हाउस होता है, चौथा घर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस आपको बताएगा कि टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, कि किस तरह के का मेडिसिन या किस तरह के का आपको आयुर्वेदिक सूट करेगा, कि एलोपैथिक सूट करेगा, कि होम्योपैथी आप कराओगे तब उसका इलाज होना है, ये आपको फोर्थ हाउस बताता है। और यही फोर्थ हाउस बताएगा कि ट्रीटमेंट के लिए एग्जैक्टली आपको करना क्या है, आपको सर्जरी की ज़रूरत है कि मेडिसिन लेके इसको आप ठीक कर सकते हैं या बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको फोर्थ हाउस बताती है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट। तो जब ये फोर्थ हाउस आपका जो चौथा घर, अगर ये मार्स यानी मंगल और सिक्स्थ हाउस, ये दोनों से जब वो कनेक्टेड रहता है तो ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी के थ्रू होगा, ये कंफर्म होता है, ठीक है। तो इस मेथड को आप जनरल भी यूज़ कर सकते हैं, किसी कोई बीमारी है वो आपसे पूछता है कि मेरा इलाज कैसे होगा, तब भी आप ये रोग प्रश्न बनाएं, देखिए फोर्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस में कोई कनेक्शन है, मंगल कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली बात है बिना सर्जरी के नहीं हो सकता, सर्जरी हमें ज़रूरत है। अब आपको ये समझ में आ गया कि प्रश्न कुंडली में फोर्थ हाउस का कनेक्शन अगर सिक्स्थ हाउस जो कि रोग स्थान है, और दूसरा सर्जरी के लिए कारक है हमारा मंगल, जब ये दोनों कनेक्ट होते हैं फोर्थ हाउस से, तो हमें पता लगता है कि सर्जरी की ज़रूरत है। अब ये जो सर्जरी की जो ज़रूरत पड़ी हमें, अगर यही जो फोर्थ हाउस मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, अगर ये एफ्लिक्टेड है, अगर ये पाप करते रहे योग में है, एफ्लिक्शंस हैं राहु या सैटर्न से केतु से इन ग्रहों के साथ एफ्लिक्टेड दिखता है, तो हमको ये समझना चाहिए कि सर्जरी की ज़रूरत तो है, सर्जरी भी होगी, पर सर्जरी के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट भी बनेंगे, सर्जरी की वजह से नुकसान भी होगा जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, ये भी इसमें पता लगता है। बट अगर यही फोर्थ हाउस अगर एफ्लिक्टेड नहीं है कुंडली में, ठीक है, अगर अच्छे शुभ कर्तव्य योग में है या शुभ ग्रहों से अगर वो एस्पेक्टेड है, तब हम ये बोलेंगे कि सर्जरी अच्छा हो जाएगा, सर्जरी सक्सेसफुल रहेगी और इलाज भी हो जाएगा, दोबारा बीमारी फिर से होने की संभावना भी कम होती है, ये हमें पता लग गया। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि
कि जो डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है क्या वो सुटेबल है इसके लिए, पेशेंट के लिए कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा। तो उसी रोग प्रश्ना जो कुंडली आपने बनाया है उसी का जो लग्न है ये आपको बताएगा। लग्न बताता है टाइप ऑफ डॉक्टर, कि वो डॉक्टर ट्रीट कर पाएगा कि नहीं, या डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका लग्न बताता है। तो वही रोग प्रश्न में अगर लग्न अफ्लिक्टेड है, लग्न में अगर मैलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो आप ये समझ जाइएगा कि डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत है, डॉक्टर कैपेबल नहीं है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वो पर्सन के लिए ट्रीट करने का। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर कैपेबल नहीं है, डॉक्टर तो कैपेबल होगा बट इस पर्सन के लिए वो सुटेबल नहीं है। तो बेटर ये है कि डॉक्टर आप लोग चेंज करें, आप दूसरा ओपिनियन लीजिए किसी और से, वहाँ आप सर्जरी कराइए। बट सर्जरी से ही होगा ये बात तो कन्फर्म है, क्योंकि फोर्थ हाउस कन्फर्म करता है, लग्न कन्फर्म करेगा तो डॉक्टर भी सुटेबल है। तो ये बड़ा सरल नियम है, लग्न और फोर्थ को देख के बता पाएंगे कि मोड ऑफ ट्रीटमेंट सर्जरी है कि नहीं है, डॉक्टर सुटेबल है कि नहीं। जब आप ये दोनों चीज़ें आप जब देख लेते हैं, अब इसके बाद हमें देखना पड़ता है कि मुहूर्त के अकॉर्डिंग क्या है। अभी तक जो हमने देखा ये प्रश्ना कुंडली था, हमने प्रश्ना का अपना हमने मेथड हमने देखा। अब मुहूर्त क्या है, मुहूर्त का मतलब किस टाइम पे हमें सर्जरी एग्जीक्यूट करनी है। फर्स्ट स्टेप में हमने ये समझा कि सर्जरी होनी है, डॉक्टर से होनी है, किस डॉक्टर से, ये सब हमने क्लियरिफाई कर लिया। अब हमको डिसाइड करना है वो स्पेसिफिक डे एंड टाइम, या सर्जरी की बात है। सर्जरी के लिए कुछ हमारे पास पैरामीटर हैं जो मैं थोड़े से पैरामीटर आपको वीडियो में बताऊंगा, बाकी चीज़ें हमें प्रोफेशनल कंसल्टेंसी के बाद हमको डिसाइड करना चाहिए। बट अभी जैसे मैं मुहूर्त की बात करूं, तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि कारक ग्रह हमारे लिए मंगल होता है, ठीक है। तो जब भी जिस भी आवर में आप जब वो सर्जरी का जब बिगिनिंग होगा, स्टार्टिंग होगा, उस टाइम ड्यूरेशन में ध्यान रखिएगा कि जो कारक ग्रह मंगल है सबसे बेस्ट पोजिशन है थर्ड एंड इलेवेंथ हाउस में। अगर उस टाइम पे मंगल अगर तीसरे और ग्यारहवें घर में है तो सबसे बेस्ट माना जाता है। दूसरा कंडीशन, उस टाइम ड्यूरेशन में जो एट्थ हाउस है वो खाली होना चाहिए, ब्लैंक, ठीक है, ये इसका ध्यान रखेंगे, ये मुहूर्त का सबसे बड़ा नियम है। तीसरा कि जिस बॉडी ऑर्गन का सर्जरी होना है, ठीक है, उस बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड एक हाउस भी होगा, भाव भी होगा। लाइक हार्ट है, अगर दिल में सर्जरी है, हार्ट की सर्जरी है तो फोर्थ हाउस। तो उस बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड हाउस के ऊपर चंद्रमा का गोचर नहीं होना चाहिए उस दिन, इसको हमें ध्यान देना है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर दूं, जिस बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड सर्जरी है उस बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड हाउस पे चंद्रमा का गोचर नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। दूसरा कि पूर्णिमा के दिन हमें सर्जरी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन बॉडी फ्लूड जो है हमारे शरीर में बहुत मैक्सिमम रहता है, हाई रहता है, तो वो दिन हमको अवॉइड करना चाहिए। ये कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, शुक्ल पक्ष का जो दिन रहेंगे, जो पक्ष है शुक्ल पक्ष, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जिनका हमको ध्यान देने की ज़रूरत है सर्जरी का मुहूर्त डिसाइड करने के लिए। ये मैंने आपको ध्यान रखे, मैंने थोड़े से पैरामीटर बताए, ऐसे और भी पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना, बट अगर जो चीज़ें मैंने वीडियो में बताई, अगर आप उतना भी आप कर लेंगे ना, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो सर्जरी अच्छे से हो जाएगा बिना किसी कॉम्प्लिकेशन से। तो ये नियमों का आप ध्यान रखें बिल्कुल। मुहूर्त टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो ये सब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है हम पूरा नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ये जो प्राइमरी चीज़ों का, इनको आप ध्यान में रखें। इसके लिए जैसे कुछ नक्षत्र भी डिसाइडेड हैं, ठीक है, कुछ होरा भी डिसाइडेड होते हैं कि इस होरा में ही हमको करना है, इस नक्षत्र में ही करना है, तो ये सब चीज़ें भी रहती हैं, ये मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। बट फिलहाल आप जितने पैरामीटर आज मैंने कवर किए हैं उतना आप लोग जरूर ध्यान रखें, इसको अवॉइड हमको नहीं करना है किसी भी हालत में, तो सर्जरी आपकी आसानी से सक्सेसफुली आपकी निपट जाएगी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन से। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई आपके डाउट्स हैं, कुछ आपके कमेंट्स हैं, वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, उन सब के आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम और ऐसे ही मेडिकल प्रोसीजर्स, या किस टाइम पे हमको मेडिसिन लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट हमें किस टाइम पे करना चाहिए, उसके क्या पैरामीटर होते हैं जिसमें हम उस कंसल्टेशन का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें, ये सब में भी ज्योतिष आपकी हेल्प कर सकता है। ये चीज़ें कैसी हैं, कैसे देखना चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। जय गुरुदेव।
अगर आज आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दूसरे जो भी ज्योतिष सीखते हैं स्टूडेंट्स के साथ, ताकि ये नॉलेज सब तक पहुँचे और सब इसका अच्छे से यूज़ कर पाए।